आप सभी लोगों का हमारे शमाज गार्डनिंग में बहुत बहुत स्वागत है। ये जो आपको दो प्यारे प्यारे खूबसूरत फूल दिख रहे हैं, आज इनके बारे में कोई बातें हो जाएं जिससे आप लोग अपने घर में इनको ग्रो कर सकें। कोशिश करूंगी, प्राइस बताऊंगी, इनकी केयर टिप्स, ग्रोइंग टिप्स एंड सनलाइट, वाटरिंग एंड फर्टिलाइज़र, ये सब चीज़ें आपको आज बताऊंगी। इतने प्यारे प्यारे फूल आप अपने गार्डन में ले सकते हैं, अभी भी देरी नहीं हुई है, अभी भी इन प्लांटों को आप नर्सरी से परचेस करके ला सकते हैं और विंटर में ज़बरदस्त इनके फ्लावर आप इंजॉय कर सकते हैं। देख रहे हैं ना, खूबसूरत फ्लावरिंग। देखिए, हमारे यहाँ कानपुर में 3 या 4 दिन से ज़बरदस्त बारिश हो रही है, अभी भी बारिश का मौसम बहुत ज़्यादा बना हुआ है, ऐसा पेड़ों पे गिर रहा है जैसे कोहरा हमारे पेड़ों पे छाया हुआ है। आपको मैं अभी दिखाऊंगी सारे पेड़ों पे फूल ही के, देखिए ये सीड्स, इनको तो ज़रूर आप हटाइए। अगर आपको सीड्स नहीं लेने हैं अभी, तो इनको तो आप बिल्कुल नहीं रख छोड़िए, इनको आप हटा दीजिए, इससे आपके फ्लावर की कलियाँ कम हो जाएंगी। कई सारी एनर्जी हमारे प्लांटों की ये लेते रहते हैं और फिर हमारे न्यू प्लांट्स में फ्लावरिंग अच्छी नहीं हो पाती, तो सबसे पहले आप इनको हटाइए जिससे आपकी फ्लावरिंग ज़बरदस्त अच्छी होगी। अभी मेरे आपको प्लांट्स में सिर्फ 2 ही फूल दिख रहे हैं और मेरे पास कलियां इसमें ज़बरदस्त आ रही हैं, ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। आप लोगों ने मेरे पहले जो वो वीडियो देखा है उसमें मैं ये नर्सरी से परचेस करके लेके आई थी, जिससे मैं अपने नर्सरी से ये परचेस करके लाई थी, उस टाइम आपने नहीं देखा होगा कि मेरे फ्लावरिंग में इसमें एक भी वर्ड नहीं आई थी, सिर्फ एक सिंगल फूल खिला हुआ था। और जो मैंने अपने घर में सोइल जो दी है अपने प्लांटों को, जो फर्टिलाइज़र जो मैंने खाद दी है, उससे प्यारे प्यारे फूल भी आ रहे हैं और ज़बरदस्त उसमें कलियाँ भी आ गई हैं, जो एक साथ जब खिलेंगी तो बहुत खूबसूरत लगने वाला है हमारा फ्लावर पॉट। तो देख रहे हैं ना आप चारों तरफ, और इनमें जो बूंदें पड़ी हुई दिख रही हैं, इतनी क्यूट लग रही हैं, प्यारी सी, और वे बहुत अच्छा होता है। देखिए, बारिश पैसे तो पेड़ों के लिए बहुत अच्छी होती है, समझ लीजिए एक अमृत की तरह हम सभी के जीवन में बारिश बहुत अच्छी होती है, मगर कुछ प्लांट्स के लिए ज़्यादा पानी मिलने से प्लांट्स काफ़ी मेरे ख़राब भी हो गए और कुछ प्लांट तो बहुत खुश हैं कि उनको इस तरह का मौसम मिल रहा है, खूबसूरत हो रहे हैं, अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। तो आज मैं आपको ये दिखाऊँ, इन फूलों के बारे में कुछ खास बात भी बताऊँगी। देखिए, जब हमारे ये फूल इतने छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ना, खूबसूरत लग रहे हैं, ये रात के वक्त आपको थोड़े थोड़े फोल्ड हो जाते हैं और जब दिन में अभी सूरज नहीं निकला है तब भी ये फूल मेरे यहाँ खिल चुके हैं, और अभी हमारे यहाँ 10-11 बज रहा है और उस टाइम ये फूल खिले हुए हैं, कोई सनलाइट नहीं है, किसी तरह की कोई भी रोशनी नहीं दिख रही सूरज की और कोहरा ज़बरदस्त है, उसमें ये फूल खिल गए हैं। इनको फिर समझ लीजिए कि इतनी ज़्यादा डायरेक्ट धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया आपको कि जब अगर धूप के सनलाइट नहीं है उसमें भी ये फूल खिले हुए हैं, रात में ये थोड़े से बंद हो जाते हैं, मैंने अक्सर इनको नाइट में देखा है क्लोज होते हुए, और ये सुबह होते ही फूल पूरे खिल जाते हैं, कम से कम 5-6 दिन फूल रहते हैं प्लांट्स में, और बहुत अच्छे इनका कलर होता है, खूबसूरत फूल होते हैं, कई कलर में आते हैं। मेरे पास 2 कलर हैं, आपको वाइट क्रीमी दिख रहा है, एक कुछ ये पिंक क्रीमी दिख रहा है कलर, और बहुत क्यूट कलर हैं इसके, क्या प्यारे प्यारे। तो अफ्रीकन डेजी के बारे में, तो डेजी कई वैरायटी में आती हैं, एक ये भी एक डेजी है और इसके कई नाम हैं, खूबसूरत कलर के साथ खूबसूरत फूल भी होते हैं। किस तरह से हम इसको नर्सरी से जब परचेज के लेके आई थी, आप लोग बहुत बार कमेंट्स करते हैं कि मुझे इसके रेट्स बताएं जो हम भी नर्सरी से परचेस करके लेके आएँ। मैं कोशिश करती हूँ हर प्लांट्स के रेट आपको बताने के लिए, इसलिए कि देखिए इन प्लांटों के रेट्स आपको पता होते हैं तो नर्सरी से परचेस करने में भी आराम होता है। तो देखिए, आप इनको हमारे यहाँ नर्सरी में 35-35 रुपीज़ के प्लांट्स मिल रहे हैं पर प्लांट। मैं 3 प्लांट्स लेके आई थी। अगर आप इसकी सीडलिंग करना चाहें तो नेक्स्ट टाइम अक्टूबर के टाइम ये सीड इनके आप ग्रो कर दीजिए और बहुत अच्छी आपको इनके ग्रोथ मिलेगी। नहीं तो आप पौध ले लीजिए, पौध 20 रुपये या 30 रुपये के हिसाब से गड्डी मिलती है जिसमें 20-25 पेड़ लगते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा जगह हो, तो हम लोग तो टेरेस पे गार्डनिंग करते हैं, उसमें इतनी सारी जगह तो नहीं होती है जिसे हम इतने सारे प्लांट लगा सकें। तो देखिए, मैंने इनको प्लास्टिक के पॉट में भी लगाया है, बेकार कंटेनर में भी लगाया है, और देखिए ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है, फूल भी बहुत प्यारे हमको मिले। और जो मिट्टी हम देख रहे हैं आप लोग, मिट्टी हमारी बेलब्रिंट है, जितने विंटर फ्लावर प्लांट्स हैं उसमें हमें रिच सॉइल देनी पड़ती है कि रिच सॉइल देने से हमारे प्लांट की ग्रोथ एंड फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है।
जब हम अपने प्लांटों को बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र देते हैं, बहुत अच्छी खाद देते हैं, तो बहुत अच्छे से वो फ्लावर हम लोगों को प्रोड्यूस करके देते हैं और जिससे हमारा गार्डन खूबसूरत लगने लगता है। तो जब हम अपने प्लांटों को बहुत अच्छा खाना पानी देंगे तो हमारे प्लांट क्यों नहीं अच्छे हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं अपने प्लांट की मिट्टी की। जब भी आप प्लांट्स नर्सरी से लेके आएँ या खुद ग्रो किए हो या लगाएं, तो उनके लिए हम जो सॉइल बनाते हैं, आप देख रहे हैं ना मेरे सारे प्लांटों में, मैं बहुत अच्छे से किचन वेस्ट खाद और काउडंग्स, ये दो मैं बहुत ज़्यादा अपने प्लांटों में यूज़ करती हूँ, जिससे हमारे प्लांट में बहुत प्यारे प्यारे फूल मिलते हैं, खूबसूरत फूल मिलेंगे और बहुत हेल्दी प्लांट्स रहता है, जिससे आपका प्लांट, आपके घर में जो पॉट है वो बहुत अच्छे दिखे, कितना प्यारा फूल खिला हुआ। आप किसी भी चीज़ में कोई भी प्लांट जब लगाएंगे तो उसके लिए ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए और सॉइल अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले इन प्यारे प्यारे प्लांट्स फूल लेने के लिए आपको 40% गार्डन मिट्टी ऐड करनी चाहिए और मैं इसमें 40% मैंने इसमें काउडंग्स ऐड कर रखी है। जब ये दोनों चीज़ों हम मिक्स कर देंगे तो मिट्टी हमारी खुद ही सॉफ्ट हो जाती है, सॉफ्ट हो जाएगी और जो हमें वेल्ड्रेन सॉइल देनी होनी होती है वही हो जाती है। तो इससे आप दोनों चीज़ें बराबर मात्रा में ले लीजिए कि हमारे यहाँ सर्दियों में भी ज़बरदस्त सर्दी पड़ती है तो इससे हमारे प्लांट को बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है। तो उसमें नीम खली एंड ड्राफ्ट, ये दोनों चीज़ों को ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद आप अपने प्लांट को लगा सकते हैं। मिट्टी रिच सॉइल की हो गई है तो समझ लीजिए आप अपने प्लांटों को लगाने के बाद ट्राई करके देखिए, फिर आपकी प्लांट 2 हफ्ते में इतनी अच्छी ग्रोथ, इतनी अच्छी लीव्स और कितना अच्छी उसकी ग्रोथ हो जाएगी। तो इस तरह की मैंने सॉइल ऐड की है और फिर मैंने देखिए पॉट जो यूज किया है इन खूबसूरत फूलों के लिए, देखिए कितना प्यारा कलर लग रहा है, देखिए इतना एक्टर भी प्यारा प्यारा, इसमें बीच में जो शेड है बाहर की लाइनिंग का शेड बहुत क्यूट लग रहा है। अब आप क्या करेंगे, देखिए जब भी हम प्लांट अपने लगाएंगे तो उसमें हम 5 इंच के पॉट मैंने ऐड किया है और एक मेरा 7-8 समझ लीजिए बेकार पड़ी चीज़ें मैंने उसमें ऐड किया। तो आप 5 से 6, 7, 8 इंच तक के पॉट में लगा लीजिए, ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है। अब इतने ज़्यादा आपको पॉट की जरूरत, उसके लिए 5 इंच या 6 इंच के पॉट सफिशेंट है, इसमें आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर जाएगा। ये हो गए हमारे प्लांट की ग्रो, चाहे प्लास्टिक के में लगाइए, चाहे आप सीमेंट के लगाइए, चाहे मिट्टी के में पॉट में लगाइए, किसी भी पॉट में लगाइए तो उसमें आपका ड्रेनेज होल अच्छा होना चाहिए। इस तरह से मैंने जो सॉइल मीडिया आपको बता दिया है उसको ऐड कीजिए, फिर आप अपने प्लांट को बार बार आपको खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो मैंने आपको खाद अभी बताई है यही मैंने खाद डाली है और इसके बाद मैंने कोई भी चीज़ अपने प्लांट पे नहीं दी है, मैंने लिफ के फर्टिलाइज़र तक नहीं दिया। मेरे यहाँ मुश्किल से 15-20 दिन हुए होंगे प्लांट लाए और देखिए इसको देखिए, ये सिंगल स्ट्रिप लगा हुआ और मैं कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र अभी नहीं दे रही हूँ प्लांटों को, कुछ प्लांटों को दे रही हूँ। मैंने कुछ प्लांटों को जो मैंने रिच सॉइल बनाई है तो हमें बार बार इनको फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप इस तरह से खाद अगर देंगे अपने प्लांटों को तो बहुत अच्छी सी कलियाँ मिलेंगी और लीव्स भी बहुत खूबसूरत लगने वाली हैं। तो आपको अगर इस तरह से आप प्लांट को देने के बाद जब हम खाद दे दें, आप 1-1.5 महीना हो जाए तो आप 1-1.5 महीने बाद इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दीजिए, नीम खली, मस्टर्ड खली एंड ड्रा, इन सब की जो हम लिक्विड बनाते हैं वो आप दीजिए, फिर देखिए फ्लावरिंग कितनी अच्छी होती है। वैसे तो फ्लावरिंग आपने जो काउडंग ऐड कर रखी है वही हमारे प्लांट के लिए सफिशिएंट है। कुछ प्लांटों को बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है, जब हम अपने प्लांट पहले से खाद इतनी अच्छी डाली है तो हमें फिर ज़्यादा बार बार खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आ जाते हैं हमारे प्लांट को सनलाइट कैसे चाहिए। विंटर की फुल सनलाइट में अच्छे से रखिए इसको, खूब सारी सनलाइट रखिए तो अच्छी कलियाँ मिलेंगी, अच्छी फ्लावरिंग मिलेगी। कम से कम इसको 5 घंटे की धूप मिलनी चाहिए तो इससे हमारे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, फ्लावरिंग हमको बहुत अच्छी मिलने वाली है। अब बात करते हैं हमारे प्लांट को पानी कैसा देना चाहिए। तो जब भी हम अपने प्लांट को पानी दें, मॉर्निंग में दीजिए 11 बजे तक 12 बजे तक अपने प्लांट को पानी दे दीजिए। और पानी कैसे देना ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से बता रही हूँ, जिससे आपकी मिट्टी हल्की सी ड्राई हो जाए। ड्राई होने के बाद आप अपने प्लांट को पानी दे सकते हैं। मिट्टी ड्राई होने के बाद जब हम प्लांट को पानी देते हैं तो हमारा प्लांट की खाद का काम वो करती है, पानी बहुत अच्छा मानते हैं इसको। देखिए मिट्टी अगर ज़्यादा पानी देंगे तो आपके प्लांट की जो रूट्स हैं वो ख़राब हो जाएंगी, गल जाएंगी, इससे प्लांट ख़राब हो जाता है। अब ये प्लांट्स देखिए हमारे जैसे कि नॉर्मल सर्दी जहाँ हर वक्त रहती है, 12 महीना रहती है, वहाँ ये प्लांट सालों साल चलते हैं। मगर हम लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है मई जून में, तब ये प्लांट को थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, नहीं तो यहाँ आपके यहाँ सालों साल फ्लावर प्लांट्स रहता है, अप्रैल तक अच्छी तक फ्लावरिंग कर सकता है अगर आपको तेज़ धूप से बचा लेंगे, कहीं पेड़ की छायाओं में या नेट के नीचे रखेंगे तो ये आपका प्लांट आराम से सर्वाइव करता रहेगा और दिन पे दिन बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह से आप इस प्लांट की केयर कर सकते हैं।
अब आ जाते हैं हम अपने प्लांट को कीड़ों से कैसे बचाएं। देखिए कीड़े तो अक्सर प्लांटों में लग जाते हैं। देखिए खूबसूरत फूल ये, इसमें भी देखिए कितना अच्छे से ग्रोथ हो रही है। अगर हम अपने प्लांट को अच्छी खाद देते हैं तो प्लांट की ग्रोथ हमेशा अच्छी होती है। कोशिश कीजिए एक गमले में एक प्लांट लगाएं। आप 5 इंच का पॉट ले रहे हैं तो उसमें एक ही लगाइए। ज़्यादा प्लांट लगने से प्लांट की ग्रोथ फिर थम जाती है। अब हमारे देखिए प्लांट में कीड़े हर प्लांट में अक्सर लग जाते हैं, तो इसके रोकथाम के लिए हर आप 15 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए। नीम ऑयल का स्प्रे कैसे करना है, जैसे कि आप 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें एक शैम्पू या डिश वॉश 1 स्पून डाल दीजिए, और फिर उसमें नीम ऑयल 1 स्पून डालिए। विंटर में नीम ऑयल जिसमें आप डालेंगे तो उसमें गुनगुना हल्का सा पानी होना चाहिए, जिससे वो नीम ऑयल उसमें मिल जाएगा। फिर आप वो स्प्रे करते रहिए। स्प्रे करने से आपके प्लांट में कभी कीड़े नहीं लगेंगे और आपका प्लांट ग्रोथ बहुत अच्छी करता जाएगा। तो देखिए मैंने इस ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोशिश की है सारी बातें बताने की, लगाने का टाइमिंग इसका बता दिया है। और इसके बारे में और भी आप जानकारी लेना चाहते हैं, किसी तरह की नई बात जानना चाहते हैं, तो मेरे वीडियो पे आप कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल बटन दबाना ज़रूर याद रखिए, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके, आप उस बात का फ़ायदा उठा सकें। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।